given ruling on this. Please, no. No, no. No, no. Saroj Pandey ji. Saroj Pandey ji. धन्यवाद सभापति जी। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके बीच में जो संविधान संशोधन विधेयक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे मंत्री जी के द्वारा दो राज्यों को न्याय दिलाने के हेतु कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 लाया गया है, मैं इसके समर्थन में खड़ी हुई हूँ। भारत एक ऐसा देश है जो सदियों से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने में विश्वास करता है और हम जब अपनी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध बनाने के लिए, अक्षुण बनाने के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें परिवार एक बहुत बड़ा भागीदारी निभाता है। इस परिवार में जब पीढ़ियों के अंतर होते हैं या पहले जब हमारे यहाँ कुटुंब ये हमारी एक पुरानी परंपरा रही है, इस पुरानी परंपरा में ही ऐसे बहुत से विवाद जो घरों में होते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज के लोग बैठकर उसका न्याय कर लेते थे। पीढ़ियों तक उस विषय को माना जाता था, ये हमारे भारत की एक अक्षुण और बहुत समृद्धशाली परंपरा रही है। माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहती हूँ कि ये विधेयक एक ऐसे समय पर लाया गया और इसके लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो कुटुंब न्यायालय है इसके स्थापना के लिए केंद्र के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है और अधिसूचना जारी किया जाना केंद्र सरकार के लिए आवश्यक होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में केंद्र के द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की गई। बिना अधिसूचना के इन न्यायालयों को विधिमान नहीं माना जा सकता, इसलिए इस संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ी है। चूंकि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में पूर्ववर्ती सरकार, जो उस समय की तत्कालिक सरकारें थी, उन सरकारों के द्वारा अधिसूचना जारी नहीं किया गया, इसके कारण जो वहां पर वैधता थी, कुटुंब न्यायालयों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा। इसलिए हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री जी ने इस बात की कोशिश की है और आज हम इस संशोधन के द्वारा इन दो राज्यों को कुटुंब न्यायालय के विधिमान रूप से मान्यता देने के लिए इस संशोधन को लाया गया है। माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहती हूँ हमारे यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से परिवार में, और परिवार हमारे लिए वो क्षण होता है अगर कहीं हम परेशान हैं, हमारी परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, तो ऐसे समय पर परिवार हमारे लिए संबल बनकर खड़ा होता है। जब परिवार संबल बनकर खड़ा होता है तो व्यक्ति चाहे कितने संताप में हो वो बाहर निकलता है, लेकिन भारत में एक पूर्ववर्ती हमारे पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने इस विषय को कहा था कि अगर भारत को समाप्त करना है तो भारत की संस्कृति पर आघात किया जाए, और अगर भारत की संस्कृति पर आघात होगा तो भारत समाप्त होगा। पाश्चात्य संस्कृति ने भारत की संस्कृति को बहुत हद तक आघात पहुंचाया है। मैं कहना चाहती हूं कि भारत की संस्कृति बेहद समृद्धशाली रही, लेकिन इस समृद्धता में जो पाश्चात्य संस्कृति है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रवेश करी। जो संयुक्त परिवार थे वो संयुक्त परिवार टूटे, एकल परिवार ज्यादा बढ़े। संयुक्त परिवारों में जब हम रहते थे तो हमें बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं होती थी और परिवार के सदस्य उसे पूरा करते थे, लेकिन एकल परिवार में रहते हुए बहुत सी ऐसी समस्याएं हुई जिनके कारण आज लोगों को संस्कार नहीं मिल पाते, वो अपने रीति रिवाज से परिचित नहीं हो पाते, और जब रीति रिवाजों से परिचित नहीं होते हैं तो ऐसे समय पर इन परिस्थितियों का निर्माण होता है। जो तलाक का विषय है, कभी घर में बेटियां अगर ज्यादा पैदा हुई तो इन विषयों को लेकर भी महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। दो विचार अगर आपस में टकराए तो पति पत्नियों के आपस में विचार विषय बने। ये विचार की टकराहट, पीढ़ियों की सोच का अंतर इस प्रकार का बना कि परिवार टूटने लगे। जब परिवार टूटता है तो एक मानसिक संताप होता है, इस मानसिक संताप से निकलने में परिवार बहुत अहम भूमिका निभाता है। मैं कहना चाहती हूँ
कि कुटुंब न्यायालय ज्यादा से ज्यादा हो, अगर फैमिली कोर्ट ज्यादा से ज्यादा होंगे तो आज जो ये कुटुंब न्यायालय में ये विषय जाते हैं जो हम पहले अपने परिवारों में ही निपटा लेते थे, ये संताप लंबे समय तक रहता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाता है। और अलग प्रकार की संस्कृति अभी इस देश में दिखाई देती है, एक पाश्चात्य संस्कृति का बहुत बड़ा विषय आता है जिसमें सेम सेक्स मैरिज का भी एक विषय हमको लगातार सुनाई पड़ता है। ये भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति में हम अपनी संस्कृति को अक्षुण रखने के लिए प्रयास करें। आज 11 लाख से ज्यादा केस कुटुंब न्यायालय के पेंडिंग है, ऐसे 11 लाख से ज्यादा परिवार मानसिक संताप को झेल रहे हैं। 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पूरे देश भर में पेंडिंग है। मैं कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अगर कुटुंब न्यायालयों की स्थापना होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पे जो ये 11 लाख से ज्यादा परिवार मानसिक संताप झेल रहे हैं, जो हमारी संस्कृति पर आघात कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ये संस्कृति बचेगी। और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कुटुंब न्यायालय की स्थापना किया जाए। आज मैं सरकार के द्वारा लाए हुए इस संवेदनशील संशोधन पर आप सरकार को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ।